यार खान में बस्ती पीर शहीदा के करीब मोटरसाइकिल हजार एक्सप्रेस से टकरा गई है। इसी पर बात कर लेते हैं आसिम सदीक से। आसिम बताइएगा। बस्ती पीर शहीदा के करीब हजारा एक्सप्रेस के इंजन से टकराने मोटरसाइकिल टकराने से एक खातून जानबाग, दो बच्चों समेत तीन अफराद जख्मी हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार की मामूली सी गफलत की वजह से ये जानलेवा हादसा पेश आया। एनी शायद हमारे साथ मौजूद है, आपने हादसे के वक्त क्या देखा? मोटरसाइकिल उधर से रहीम यार खान की तरफ से आ रहा था और ट्रेन भी उधर से आ रही थी, ट्रैक के साथ साथ चल रहा था मोटरसाइकिल। आगे पुली आती है, तंग है, वो पुली क्रॉस करने लगा और पीछे से गाड़ी आ गई, इंजन डायरेक्ट पीछे बैठी खातून को हिट किया उसने और ये हादसा हो गया। और इसके नतीजे में खातून मौका पे जान बाँग हो गई है, दो बच्चे जख्मी हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाला खुद भी जख्मी है। मोटरसाइकिल चलाने वाला खुद भी जख्मी है। यह हादसा इस वक्त पाकिस्तान पेश आया। दिखा कि रहीम या खान का यह रास्ता है, यहाँ से रहीम या खान से रेलवे लाइन उस साइड से आ रही है, जिस तरह ये मोटरसाइकिल सवार आ रहा है इसी तरह मोटरसाइकिल सवार रेलवे ट्रैक के साथ साथ यहाँ पर आ रहा था। इस रेलवे ट्रैक के ऊपर ये पुली बनी हुई है, इस पुली को क्रॉस करने की उसने कोशिश की। जैसे ही वो इस पुली पर पहुंचा तो पीछे से आने वाली ट्रेन हजारा एक्सप्रेस के इंजन से टकराया और खातून मौके पर जान बहक हो गई, जबकि दो बच्चे और मोटरसाइकिल सवार जो चला रहा था वो इसमें जख्मी हुए। एक मामूली सी गफलत, थोड़ी सी तेजी, इसने ये जानलेवा साबित हुई। अगर वो रुक जाता, इस ट्रैक का इस्तेमाल नहीं करता, इसके नीचे बनी हुई सड़क को इस्तेमाल कर लिया जाता तो शायद ये हादसा पेश ना आता, मगर एक मामूली सी गफलत ने ये जान ले ली है और एक हजारा एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है और डेथ बॉडी और जख्मियों को शेखजाद हॉस्पिटल